उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज चंपावत आ रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि मुख्यमंत्री 11 बजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर पहुंचेंगे और वहां आयोजित होने वाले रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज टनकपुर में स्थापित उपकरणों का लोकार्पण भी किया जाएगा और जिले के लिए कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। उसके बाद 12:15 पर इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रस्थान कर 12:30 बजे बीआरओ हीरक परियोजना टनकपुर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री का 12:30 बजे से 1:45 तक का समय आरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी ओर दीपावली से पहले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी और लालकुआ वासियों के लिए कई खुशखबरी दी है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि जल्द ही हल्द्वानी शहर के मुख्य सड़क को 12 करोड़ की लागत से दुरुस्त किया जाएगा, जिसके लिए NHAI को लोक निर्माण विभाग को 12 करोड़ रुपए तत्काल हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शहर के मुख्य मार्ग तीन पानी से लेकर नरीमन चौराहे तक 12 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर लंबी सड़क में जल्दी डामरीकरण किया जाएगा। वहीं अजय भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पिछले दिनों दिशा की हुई बैठक के सुखद परिणाम आने लगे हैं, जिसमें विभागों के आपसी समन्वय बनाकर जनता को तत्काल बेहतर आवागमन की सुविधा दिए जाने को लेकर ये कार्रवाई शुरू हुई है। वही नैनीताल में स्थित डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एकेडमी मैदान में चल रहे अखिल भारतीय महिला हॉकी कप 2022 की प्रतियोगिता का समापन हो गया है। आपको बता दें कि DSA मैदान में शुक्रवार को HFB NCR और नैनीताल के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। HFB की टीम ने 2-1 से बढ़त बनाकर ट्रॉफी को अपने नाम किया। वही मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची विधायक सरिता आर्या ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। साथ ही विधायक आर्या ने नैनीताल हॉकी एकेडमी को खिलाड़ियों के किट के लिए विधायक निधि से 1,00,000 रुपए देने की भी घोषणा की। साथ ही अध्यक्ष मुकेश जोशी और पूर्व ओलंपियन राजेंद्र रावत ने विधायक सरिता आर्या का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। साथ ही इस मौके पर कई और गणमान्य लोग मौजूद रहे।